जोरदार कुछ बता तो खरी क्या हुआ आज? अरे पीछे तो देखो तू तो फुल नहीं 8 किलोमीटर बोल के इतना किलोमीटर पे इसने चलवा लिया भाई। टूरिस्ट मोड में यार लग रहा है सीरियसली ब्रो। भाई इधर देख, वेलकम टू कनाडा। फर्स्ट टाइम वेलकम टू कनाडा। वे भाई सुन के पक गया मैं ये लाइन। इसको देखो यही फालतू लाइन वेलकम टू। लेकिन लग बाकी हॉट रहा है लड़की को तू देख लेगी तो कमेंट मार दे। फाइनली गाइस आज वो दिन आ चुका है जब हम सब लोग हमारा यहाँ का आज का नया ग्रुप जा रहे टोरंटो डाउनटाउन और टोरंटो पूरा मतलब जितना जो है उतना एक्सप्लोर करने के लिए। सो वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन, आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग ग्रेट। आज हमारे साथ मैं रेडी नहीं है ले लिया स्टार्ट हो गया जिस पल का मुझे इंतजार था सारा आदत चली गई भाई। 5 महीने हो गए, 5 महीने बाद फाइनली आज व्लॉग में आ रहा है कुछ ब्रो स्पेशल शब्द मजा आ रहा है। इतना भंगड़ तेरे पापा देख के बोलेंगे क्या बोल रहा है बेटा। तुम लोग जस्ट होंगे अब तो आएगा ये व्लॉग शायद देखेंगे सालों बाद। तू ना तेरा कनाडा का पहला व्लॉग ऑफिशियली अनऑफिशियली पहला ही हमेशा की तरह मेरा चैनल भी पहली बार आया। सो या अभी तक हम यहाँ पे बस एज ऑलवेज हमारे स्टेशन पे गो बस का वेट कर रहे हैं सीधा टोरंटो। और अभी 11:37 होपफुली 20 मिनट्स बाद हमारी नेक्स्ट बस है, मतलब पहली बस है उसके बाद। और अभी जस्ट हमारी बस आ रही है जो कि है ये इज 1 मिनट बाद यहाँ से सीधा टोरंटो जाएगा इन जस्ट 9 स्टॉप से हो गई है फॉर मी श्रेया एंड हर्षल तीनों की टिकट ये है। सो गाइस अभी जस्ट हम लोग टोरंटो डाउनटाउन अगर हमने एंटर कर दिया है और हर्षल आज पहली बार सी एन ट्रैवल लाइव देखा है, उसका रिएक्शन क्या था भाई? पतंग होटल में अहमदाज की हम सालों से इंतजार कर रहे थे वो आ गए है टोरंटो में स्पेशली घूमने। वो ब्लैक शेडो के अंदर इसके ग्लास मस्त है। जिस दिन का हम लोग घूमने के लिए आए थे मतलब आए पढ़ने के लिए बट हम लोग 5 महीने बाद फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम बस हम लोग ऐसे विदाउट उबर बैग हमारे नॉर्मल बैग लेके एकदम टूरिस्ट वाले मूड में आए एकदम शॉर्ट्स और ये सब पहन एकदम रिलैक्स मूड में। ये भाई फुल ब्लैक है, यूजुअली एक कैमोफ्लेज में होता है लेकिन आज फुल ब्लैक मोड में है। क्लिप तू उठा लेना तेरी मैं उठा लूंगा आमने सामने दिखा लेंगे हम लोग जो क्लिप मिलेगी नहीं दूसरे को। अरे बहुत मस्त लग रही है यार पूरे व्लॉग में कंटेंट ही कंटेंट होगा। हम लोग इतना घूमने वाले हैं सब प्लान अगर बारिश से पोपट नहीं किया तो। हाय बस बाय। भाई पहला एक्सपीरियंस कैसा रहा कनाडा का? जोरदार कुछ बता तो खरी क्या हुआ आज? अरे पीछे तो देखो आज है वर्ल्ड बाइक नेकेड डे इसलिए आज हम लोग चल के आए हैं। सबके पास व्हीकल्स है सभी मेरे सामने क्या कितने लोग होंगे पता नहीं सब कपड़े बिना के हैं साइकिल चला रहे नहा रहे टोरंटो के साइनबोर्ड के आगे दौड़ रहे फोटो खिंचवा रहे फोटो खींच। सीरियसली ऐसे मैंने पहली बार मतलब लिटरली यहाँ पे कितने सारे बोलना दिखाती तुमको। और ये है कुछ चाइल्ड लेबर का अभी जान रहे हैं हम जाके। ओके चलो फॉलो इतना ही नहीं बस अभी तो फिलहाल के लिए इतना ही कंटेंट मेरे पास। ओके थोड़ी देर बाद देना थोड़ी देर बाद आती हूँ वापस संवाददाता cell phones and just scan it everyone can sign and that's 5 signatures all right sure चाइल्ड लेबर का स्कैन कर रहे हैं चाइल्ड लेबर का एजेंसी पेटिशन चालू जिसमें सिग्नेचर कर दिए हैं 5 लाख और सारे लोग मतलब जस्ट इमेजिन दिखाना पड़े देखते मजा आएगा। कपड़े बिना के थे फाउंटेन से चल के आ रहे थे ये फाउंटेन लीली
लोग लिटरली फाउंटेन के ऊपर से चल के जा रहे हैं और आधे लोग नहा रहे थे और साइकिलिंग कर रहे थे इसके अंदर। फाइनल हम लोग डंडा स्क्वायर पहुंच गए और यहां पे बहुत आवाज आ रही है, बिकॉज चिल्ला के बात करें थोड़े लिटरली वीरो लेने के बोलूँ या मुश्किल है वीरो अभी ले 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 मुश्किल है बिकॉज पब्लिक कुछ ज़्यादा ही है यहाँ पे जो फोन में ही करना पड़ेगा भाई इसमें क्या ही दिख रहा है कुछ नहीं दिख रहा जाएगा मेरे इंस्टा के ऊपर फॉलो करो इंस्टा के ऊपर Represent the finest on the stage, so today I'm picking up the pen. Just thank the universe. Anytime I strength act up, I thank the universe. कहाँ से निकलते हैं हम लोग? ये just डंडा स्क्वायर के सेंटर में आए हैं। चलाते आए हैं ग्रफिटी आई मीन ग्रफिटी एली में जो कि है टोरंटो में ही और यह यहाँ आना एकदम वर्थ इट है बिकॉज ये हमारी लोकेशन कुछ 1.8 किलोमीटर था इट वॉज रियली वेरी फार और ऐसी है कुछ ग्रफिटी एली ये भी हैप्पी बर्थडे कोई नहीं आप लोग एक अच्छे से वीडियो में एंजॉय करो सारी ग्रफिटी बाय द वे आगे यहाँ पे और भी है बट हम लोग इतना ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं लोगों यहाँ पे ये वाले यहाँ पे है और अपन लोग यहाँ से फिर जाने वाले हैं आई थिंक एक कोई तो चीप मार्केट है वहाँ पे जस्ट ऐसे एक्सप्लोर करने के लिए बोले टाइम पास करने के लिए दैट्स इट और बाय द वे आगे आते ये रही हमारी ग्रेफिटी यू कैन सी आई थिंक कोई तो इजिप्ट के ही लग रहा है आई डोंट नो बिकॉज ये सा लाइफ इज ब्यूटीफुल या ऑफ कोर्स लाइफ इज ब्यूटीफुल एंड इन दिस मार्केट के पूरा मतलब यहाँ पे एली है मतलब यहाँ पे स्ट्रीट ही है तो मतलब उसी के अंदर एक शॉप है वहाँ पे लोग आए हैं कैसे देखिए अच्छा वैसे लेकिन कुछ खास उतना यहाँ पे है नहीं भाई कैसी लगी ये शॉप तू है क्या मेरे को लगा कोई ऐसे ही बात ही कर रहा होगा अरे कम ऑन ब्रो नहीं मेरे को सेम ही लगा सुन के सीरियसली हिंदी में कैसे में ऐसी सारी चीजें यहाँ पे मिलती है इसमें ये चीज है जो वहाँ से आई होगी क्या वैसे तो सिक्किम वगैरह जगह पे भी मिलती है पंखे मिलते हैं इंडिया में वाले लेकिन प्रोडक्शन तो वैसे चाइना का ही है देखने के लिए ये सारे क्या है ये ठंडी में पहनने के लिए क्या शूज घर के अंदर पहनने के लिए पूरी सारी आइटम्स है सारी चीजें अवेलेबल है अरे ठीक से करना है ठीक से कर सारा क्या टाइम पास कर रहा है 16,000 स्टेप्स हो गया जितना हम लोग चले 5 बजे से चल रहा है मैं उठ के अगली बार फॉर श्योर स्केटबोर्ड लेके आएंगे बिकॉज इस बार तो चल चल के थक गया मैं नहीं आ रहा अनिश मैं नहीं आ रहा अभी आगे और भी शॉप से मुझे वो क्लॉज वाले शूज कहेंगे कौन सा क्लॉज वाले जो लेने हाँ वही कपड़े पहनने के लिए लेने बट वहाँ पे कलर थे नहीं इसलिए हम लोग यहीं से तुम जाना मैं तो कहीं अच्छी जगह देख के बैठेगा हो गया भाई मेरा ये बहुत टाइम बाद बोला मैं व्लॉग नहीं व्लॉग तो कर रहा हूँ डाल नहीं रहा अब तक कोई तो अच्छी सी शॉप है जहाँ पे सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स है टैक्स तो ऑफकोर्स होगा अच्छा खासा और पूछना पड़ेगा यहाँ पे सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स है और अब अच्छी मैं इनमें से कोई टेस्ट ड्राइव करने वाला जो कि है वो सिलेक्ट बिकॉज दिस वन ओनली कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 1600 ऑन लाइक सेगवे के कंपेयर में तो इट्स लाइक रियल वेरी गुड डील और ये भी तो सबसे अच्छा मॉडल ही है ये नीचे चला है या है इट्स ओके इट्स ओके दे सॉरी दी बाइक लेन डीमियो
बना है वहाँ पे, मैंने सुना था इंस्टाग्राम पर, मैंने रील्स भी देखी थी कि चाइना मार्केट में वेजिटेबल्स फ्रूट वो सारे काफ़ी सस्ते मिलते हैं। आज हम एक्सपीरियंस भी हो गया यहाँ, मुझे एक सवेरे का डब्बा सिर्फ $2 का पड़ा, और ये जो ग्रीन ओनियन वो वॉलमार्ट में आई थिंक कुछ $1 पर बंच, और यहाँ पे हमें 8 बंच बस हमें $1 का मिला, सो लाइक इट्स वेरी चीप, सस्ता है ना। और मुझे स्ट्रॉबेरी मिली $2 की, हाँ तो जिसका मुझे बाहर का पता नहीं है, पर इन लोगों ने बोला तो आई एम गोइंग विद देम। बाहर का $3 है वॉलमार्ट का प्राइस में 3.29 समथिंग। या सो इट्स 9:57 और अभी जस्ट हमने डिनर कंप्लीट किया है सबवे में हियर, बिकॉज अभी हम में से हमारा एक कोई तो पर्सन जा रही है टोरंटो में रुकने के लिए, और अभी हम लोग यहाँ पर ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, नहीं दिखा इधर आ जा ले लाइट में दिख जाएंगे हम लोग, दिख रहे हैं मैं नहीं दिख रहा, अब दिख रहा है ना परफेक्ट। तो 10 बजे एकदम कैसा मजा आया, लेट्स सी देखेंगे। और आज एक अच्छी न्यूज भी मिली है वो स्कूटर के वहाँ पे, वो कन्फर्म होने के बाद बताएंगे, कन्फर्म होने के बाद, बिकॉज वो तो एकदम मस्त कुछ खबरें मिली है बस ऐसी है कुछ। और भाई तो कुछ रात का हमारा प्लान था, लेकिन अभी नहीं रात देख के, प्लस रात के 10 बज गए और प्लस हम दोनों के कुछ कितने असाइनमेंट्स बाकी हैं। आई एम गोइंग, बाय बाय बाय, एक बार बोला।